नमस्कार, संसद टीवी की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 का ये 20वां वार्षिक सम्मेलन था, जिसमें विधायिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई, सहमति बनी। सबके जहन में एक ही सवाल कि कैसे विधायिका की तस्वीर को और बेहतर किया जा सके। सशक्त लोकतंत्र हेतु विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में आदर्श समन्वय स्थापित हो, इस पर गंभीर मंथन हुआ। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे जिस पर तर्कपूर्ण चर्चा हुई और एक राय बनी, यही सब कुछ समझने का प्रयास इस खास रिपोर्ट में। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा और संवाद जरूरी है। वैचारिक असहमति होने के बावजूद संसद और विधान मंडलों में सदस्यों के बीच विचार विमर्श होगा, तभी जनता की समस्याओं का हल होगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं विधायिका के प्रति जन आस्था को मजबूत करने को लेकर मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का यह 20वां वार्षिक सम्मेलन था। पूर्वोत्तर राज्यों के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन विधायी कार्यों पर व्यापक विमर्श के साथ साथ विकास के कई अभिनव प्रयोगों के लिए भी याद किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 के इस सम्मेलन में लोकसभा, राज्यसभा सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के साथ साथ इन राज्यों के सचिवों और पूर्वोत्तर राज्यों के सांसदों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में आए सभी प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र को और सशक्त बनाने के मकसद और लोकशाही संस्थाओं के प्रति जनता में विश्वास मजबूत बनाने में सांसद और विधायकों की भूमिका, बदलते समय में कानून और संसदीय प्रणाली में सुधार, संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं की बारीकियों के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र के ज्ञान और समझ को बढ़ावा देने सहित कई अहम मुद्दों को लेकर सम्मेलन में 2 दिनों तक मंथन का दौर चला। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर पूर्व क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन से इस बार कई अहम संदेश निकले हैं। 2 दिनों तक चले पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस मौके पर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के प्रमुख और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री पीए संगमा को भी याद किया। साथ ही मेघालय के विकास और भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख मिलता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मूल्यों को संविधान में समाहित किया है। ओम बिरला के मुताबिक आज जहां दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिक मजबूत हुई हैं। सीपीए जोन 3 जो एक सबसे सक्रिय रीजन है, जहां अभी तक 20 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस यहां पर अलग अलग राज्यों में हुई, अलग अलग विषयों पर हुई, मुद्दों पर हुई, वर्तमान भविष्य की चुनौतियों के लिए हुई, इसके लिए मैं सीपीए रीजन के पदाधिकारी, विशेष रूप से चेयरपर्सन पीडी सोना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसकी शुरुआत हमारे माननीय
लोकसभा स्पीकर, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने भारत की संसद की परंपराएं परपाटियों की एक नई दिशा दी और एक चुनौतीपूर्ण तरीके से इस राज्य की समस्याओं का समाधान भी किया और देश के लोकतंत्र को एक दिशा देने का काम किया। स्वर्गीय पीएस संगमा जी का योगदान इस देश के संसदीय लोकतंत्र में हमेशा याद रखा जाएगा। लोकतंत्र के अंदर चर्चा और संवाद, विचार विमर्श, उससे हमने हर चुनौतियों का समाधान किया है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश की हर चुनौतियों, आपदा, संकट, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, विकास के नए रास्ते, अपने अपने राज्य की नीतियों कार्यक्रमों को बनाकर हमने एक बेहतर संसदीय परंपराओं को लागू किया है और जो हमारे मूल में है लोकतंत्र, हमारे मूल के स्वभाव में है, हमारे कार्यक्रम में है, हमारे विचार में है और इसीलिए हमने इन चर्चा संवाद से ही देश को इस प्रगति की ओर ले जाने का काम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने संवाद को लोकतंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम बताया। ओम बिरला के मुताबिक संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य, सहयोग और सार्थक विमर्श बेहद जरूरी है। वहीं पीठासीन अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे सदन में जन प्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करें। लोकसभा अध्यक्ष ने हर्ष व्यक्त किया कि अब तक आयोजित हुए 20 वार्षिक सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों के प्रति इस जोन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र की विधानसभाओं के बारे में ओम बिरला ने कहा कि इन सभाओं की बैठक में बिना व्यवधान के सार्थक और गंभीर चर्चाएं होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात कहते थे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकसित होना भारत के लिए अति आवश्यक है और उसको बराबर लाना हम सबका दृढ़ निश्चय है। हम चाहते हैं, 140 करोड़ जनता चाहती है कि देश का हर राज्य का विकास हो और राज्य का विकास जब होगा जब सामूहिक प्रयास करेंगे, सामूहिक हमारी कार्य संस्कृति होगी, सामूहिकता के साथ काम करेंगे। मुझे याद है यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार जब दिल्ली में आते हैं तो एक विचार रखते हैं कि हम हमारे राज्य के विकास के अंदर नॉर्थ ईस्ट के सब राज्यों के विकास को साथ लेकर चलें और ये मूल भावना इस सीपीए रीजन की भी है। इसलिए मुझे खुशी है कि कई राज्यों ने यहाँ पर कनेक्टिविटी के बारे में भी बेहतर योजना से काम किया है और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उसके विषय के अंदर भी, एसडीजी के विषय में भी लगातार चर्चा और संवाद से कई राज्यों ने विकास के उन मानदंडों में सबसे अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करने का काम किया है। १९२१ में शिमला में पहली बार आयोजित हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जिस संसदीय लोकतंत्र की मजबूती पर आज हर भारतवासी गुमान करता है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शुमार उसके नींव के पत्थरों में किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 102 वर्षों का इतिहास
बीते 10 दहाइयों के हासिल का जायजा लेने का मौका देता है। तो इस दौरान मिली सीख से संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत करने का अवसर भी प्रदान हुआ है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में हरिवंश ने कहा कि संविधान संसद और विधान मंडलों को जन भावनाओं के अनुरूप काम करने का आधार प्रदान करता है। जन प्रतिनिधि के रूप में हमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। This can only be ensured through political dialogues like these and better engagement with the citizens. मैं प्लेनरी सेशन में पार्टिसिपेट करने और ऑनरेबल मेंबर्स के विचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इस वाइब्रेंट रीजन की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कलेक्टिवली वायबल सॉल्यूशंस हम सब मिलकर ढूंढेंगे, ये हमारा विश्वास है। एज वी इम्बार्क ऑन आवर जर्नी टूवर्ड्स ग्लोबल लीडरशिप ड्यूरिंग आवर G20 प्रेसिडेंसी, वी आर कमिटेड टू लिविंग नो रीजन अनटच्ड। आवर विजन फॉर प्रोग्रेस इंक्लूड्स एवरी कॉर्नर ऑफ आवर बिलवड कंट्री इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर एंड मोर वाइब्रेंट इंडिया। आप सुनते होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस अमृत काल में आने वाले 25 वर्षों का हमारा सपना क्या है। निश्चित रूप से यह रीजन 25 वर्षों में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया का एक मॉडल बने, मेरा विश्वास है। हम सब मिलकर इस मौजूदा परिस्थिति में पॉजिटिव चेंजेज ला सकते हैं और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस डायलॉग से जो विमर्श से चीजें निकलती हैं उनको आगे ले जा सकते हैं। उद्घाटन सत्र को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने भी संबोधित किया। कॉनराड संगमा ने कहा कि बहुलता का विचार भारतीय परंपराओं को चिन्हित करता है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के संदर्भ में मेघालय के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति में पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक भूमिका पर जोर दिया। सीएम कॉनराड संगमा ने क्षेत्र में व्यापक विकास हासिल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण और अधिक क्षेत्रीय और स्थानीय सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। With the help of Government of India, we are now taking steps to upgrade the Shillong Airport to accommodate bigger flights. We have additionally requested the Ministry of Civil Aviation to declare the Shillong Airport as an international airport to improve direct connectivity with countries bordering the Northeast states, which will greatly boost the Act East policy. Thanks to the Government of India, under the Act East policy, several projects funded by the Ministry of External Affairs have been undertaken to connect Northeast states with neighboring countries like Myanmar and Bangladesh. This even includes the development of an economic corridor. Playing to the regional strength, industry and government partnership can scale up development of the region while maintaining the right balance and mitigating the threats that have existed traditionally. पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के इस सम्मेलन से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और पहलू, तुरंत हाजिर होते हैं। शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस सम्मेलन में विधायिका से जुड़े किन मसलों पर चर्चा हुई और किस तरह की सहमति बनी। पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहे मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष थॉमस ए संगमा ने कहा कि शिलांग में भी पीठासीन अधिकारी नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण का संकल्प ले रहे हैं। मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि चाहे जनप्रतिनिधि हो या संवैधानिक संस्थान, प्रत्येक में विश्वास जताना पीठासीन अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है। The idea of having the Northeastern East Region Commonwealth Parliamentary Association and the Northeast Region Institute of Parliamentary Studies and Training NARIPSTAR, so that the Northeast states and its members develop at par with other states in India
and speak in one voice. His vision, honesty, forthrightness, and above all, his unshaken faith in parliamentary democracy have already placed him in the forefront of national politics. उद्घाटन सत्र को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 के अध्यक्ष पसांग डी सोना ने कहा कि बहुलता का विचार भारतीय परंपराओं को चिन्हित करता है। सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 के अध्यक्ष के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों का इस बार मेघालय के शिलोंग में ये आयोजन बेहद ही अहम है। When the digital connectivity is so important that it's even more important to have the digital connectivity to the remotest place of our region where we all can benefit out of it. Because today, even if you are not able to go to a good institution to study, but if you have a digital connectivity, you can go through our online classes. Likewise, for every aspect, we feel that it's one of the most important things. So we will be discussing how to get the digital connectivity to the remotest corner of the northeastern state in the larger interest of the country, because security of the northeastern state is very strategic for the security of our country. We are on the forefront, so we need to be more secure to secure our nation. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सदनों को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। इसकी गरिमा बनाए रखने से लेकर पीठासीन अधिकारियों के जिम्मे तमाम अहम भूमिकाएं होती हैं। वे सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक और अभिभावक होते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में कई अहम सत्र आयोजित किए गए, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के सांसदों ने भी अपनी बातें रखी। इन सत्रों का मुख्य उद्देश्य जनता को सीधे विधानसभा से जोड़ना और किस तरह से विधानसभा की कार्यवाही उत्पादक हो और किस तरह से विधानसभाओं में सार्थक चर्चाओं का माहौल तैयार किया जा सके जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई। सम्मेलन के इन सत्रों में हिस्सा ले रहे सदस्यों ने पूर्वोत्तर के सामाजिक ढांचे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ उत्तर पूर्व क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को लेकर अपने अहम सुझाव दिए। मेंटेनेंस अब्रॉड हैज बीन अ सीरियस प्रॉब्लम। जस्ट नाउ आई रेफर्ड इट इन दिस रीजन ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ए डेडिकेटेड फंड फॉर रीजनल रोड मेंटेनेंस विद सब्सटेंशियल रिवॉल्विंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर टू बी क्रिएटेड। In the end, before I conclude, I again like to express my gratitude to our CPA branch for providing and allowing me to participate in this wonderful conference. Sir, road is a very much essential and for developing the countries in all sides. If we connected by road in various way, our industries will come and many things. It may come so that road connectivity is very much essential. As we all know that the present world is a world of artificial intelligence, AI, and one cannot imagine of living without the support of information technology. The government of India have initiated the flagship program of Digital India, and digital form of money has taken over the proper note currency in the recent years. To enhance the uses of information technology in the lives of every remote areas of northeast region, we must ensure robust connectivity to internet facility in the region with availability of affordable plans of cellular and data service center. So the first topic being the management of natural disasters. We all know that the Northeast region is prone to a lot of floods and landslides when we talk about natural disasters. I think these are the main natural disasters that we face almost every year.
But also at the same time, we are very prone to earthquakes. So when we talk about natural disasters, I think the first thing which comes to our mind is the floods and landslides that we face every year. I think not just one state, but I think almost every state in the Northeast, this is one of the major problems that we face. Let us harness the power of renewable energy resources such as solar, wind and hydro to reduce our dependence on fossil fuels by prioritizing the development and usage of clean energy, sir. We can significantly reduce our carbon footprint and mitigate the adverse effect of climate change, sir. Lastly, sir, the environmental problem faced by the northeastern state of India demand immediate attention and swift action. By focusing on sustainable agriculture, responsible logging, pollution controls, and renewable energy, we can ensure the preservation of our pristine forests, protect our biodiversity, and secure a safer, cleaner future for the generation to come, sir. So that's why, sir, as a leader, I would like to urge all the honorable members who are present, all the important members in this August gathering, we can make a huge difference. So let us join hands together and take a necessary step to heal and safeguard our environment, because together we can make a difference, sir. पिछले कुछ वर्षों में भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हुआ है जो भारतीय विधान मंडलों के बदलते स्वरूप के साथ साथ तालमेल बनाए हुए हैं। इस सम्मेलन में राज्यों की विधानसभाओं के सभापति, पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं। पीठासीन अधिकारियों का संविधान, सदन एवं जनता के प्रति दायित्व जैसे अहम विषयों पर चर्चा होती है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए आज दुनिया भर में अपनी पहचान को और प्रखर कर रहा है। सम्मेलन के समापन समारोह में मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान भी शामिल रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने भी पीठासीन अधिकारियों को कई अहम सुझाव दिए। अपने संबोधन में राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि विधान मंडलों ने हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों पर की गई चर्चा लोकतंत्र के महत्व को समझाने और अधिक विश्वास जागृत करने में मील का पत्थर साबित होगी। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रसंघ, राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने संगठन में से एक है। इस संघ का मिशन विशेष रूप से राष्ट्रमंडल के देशों के संदर्भ में संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को बढ़ावा देना है। मानव और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्तराधिकारी के रूप में CPA वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी जारी रखता है, जो सभी पीठासीन अधिकारियों को, विधायकों को क्षेत्रीय व्यवहारिक चर्चा में शामिल होने के लिए साथ साथ देश में लोकतंत्र और सुशासन की मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के 20वें वार्षिक सम्मेलन के समापन के मौके पर समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता और शांति के साथ साथ बहुरंगी पूर्वोत्तर नृत्यों की पारंपरिक प्रस्तुति भी की गई। लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, रीति रिवाज और कला की विविधता से उपस्थित लोगों का परिचय कराया गया। कलाकारों ने पूरे उत्साह के साथ पूर्वोत्तर नृत्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन किया।
बहरहाल मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के 20वें वार्षिक सम्मेलन में संसदीय प्रक्रियाओं की बारीकियों पर गहराई से मंथन हुआ। संसदीय विषयों की चुनौतियों के समाधान पर विमर्श भी हुआ। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आदर्श समन्वय स्थापित करने को लेकर भी चर्चा की गई और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ उत्तर पूर्व क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को लेकर अहम चर्चा भी हुई। सम्मेलन में हुए गहन और रचनात्मक मंथन से पीठासीन अधिकारियों को लोकतंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने, संसदीय और विधायी कामकाज को और बेहतर बनाने में मदद जरूर मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के पीठासीन अधिकारियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जिस तरह की विधायिका से जुड़े तमाम मसलों पर गंभीर चर्चाएं हुई हैं, चिंताएं प्रकट की गई हैं और उसके बाद तर्कपूर्ण सहमति बनी है। एक उम्मीद कायम होती है, भरोसा पैदा होता है, जिसके बाद ये मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में विधायिका की तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर होगी, खासकर राज्य विधायिका के स्तर पर। इसी उम्मीद के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे कैमरा पर्सन एजेंद्र राज ठाकुर और आलोक के साथ शिलांग से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।